मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 457 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। सीएम ने ग्रामीणों की आम सभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि बीजापुर अस्पताल का नाम शहीद महादेव राणा हॉस्पिटल रहेगा। जिले के उसूर ब्लॉक में स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको तीज त्यौहार एवं गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संगठनों को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को राशि भी वितरण किया गया, पट्टे भी दिए गए, देवगुड़ी के भी पट्टे दिए गए। तो इस प्रकार से आज यहाँ गारमेंट फैक्ट्री की भी शुभारम्भ हुआ, साथ ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरुआत हम लोगों की और छत्तीसगढ़ माता रानी की मूर्ति भी लगाई और ई लाइब्रेरी भी शुरुआत हुई है। खुशी की बात यह है कि अब बीजापुर के बच्चे चीन में जाके भारत का परचम लहरा रहे हैं। ये बड़ी बात है, बड़ा बदलाव सब बस्तर और बीजापुर में हमको देखने को मिला है।